एक क्षेत्र है जोबनेर। यहाँ कई इलाकों में पानी की कमी के कारण रबी में तो फसलें होती ही नहीं थी, खरीफ में भी जीवन रक्षक सिंचाई में परेशानी आती थी। जोबनेर के आसपास के छोटे छोटे गांव जितने भी हैं, उन सब का जैसे आपका चिन्नौट तक का पानी आता है, ड्योडी के आसपास जो अधिक बरसात होती है मुंडवाड़ा का पानी भी आता है, जोबनेर के आसपास जितने भी छोटे मोटे गांव हैं उन सब का पानी आता है हमारे यहाँ पे। तो इसको देखते हुए हमारी ज़मीन में से ये पानी होकर आगे निकलता है, इस चीज़ को देखते हुए हमने खेत तलाई का विचार किया। उसमें ये प्लास्टिक शीट लगानी अभी बाकी है, प्लास्टिक शीट लगाने के बाद में जब इसमें पानी भरेगा तो एक खरीफ की फसल को भी हम लाइफ सेविंग इरिगेशन दे सकते हैं और रबी की भी हम खेती कर सकते हैं। रबी की खेती के साथ साथ में हम इसमें करीब 5-6 हज़ार पौधे तो लसोड़े के, आलू के और दूसरे फ्रूट प्लांट्स भी हम लगा देंगे। मैं ट्रेनिंग में गया था ग्राम सेवक जी के पास, तो उन्होंने बताया पानी कम है इसलिए तलाई खुदाओ खेत में और उससे बगीचा लगाओ, सोलर प्लांट लगाओ, ड्रिप सिस्टम लगाओ, अच्छी पैदावार होगी। इसकी तलाई की चौड़ाई है 75x75, गहराई है 13 फीट, इससे अच्छी पैदावार होगी। इसमें लगभग करीबन 2 लाख के लगभग खर्चा आएगा, इसमें वो सीट लगेगी प्लास्टिक की, उसका सरकार से अनुदान 90,000 रुपये मिलेंगे। ये गवर्नमेंट की सहायता से कुंड खुदवाया है और इसमें करीब 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा होगा, इससे हम आगे की खेती रबी की खेती का रखेंगे, जिसमें चना, जो गेहूं और जैसे 1 बीघे में सब्जी वगैरह ये बोएंगे। यहाँ पहले पानी की कमी थी, अब ये खेत तलाई होने से हमें पानी की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी और इसमें आगे भी हमें इनकम होती रहेगी। इस प्रकार राजस्थान जैसे प्रदेश जहाँ सिंचाई योग्य पानी की बेहद कमी है, यहाँ के किसान फार्म पॉन्ड कार्यक्रम अपनाकर अपने खेतों में अच्छी पैदावार लेकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं।